एक दलित युवती का शव मिलने से चंपावत में हड़कंप मच गया। युवती की गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका है। युवती के परिजनों ने मंदिर के एक पुजारी पर हत्या का शक जताया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हत्या का यह मामला चंपावत का है, जहां बबीता अपने घर से एक दिन पहले ही कहीं चली गई थी। उसका शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के नजदीक सड़क किनारे मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। परिजनों ने बबीता की हत्या के पीछे मंदिर के पुजारी का हाथ होना बताया। परिजनों ने कहा कि बबीता का मंदिर के पुजारी से मेल मिलाप था और उसके घर आना जाना भी था। जब पुजारी का विवाह दूसरी लड़की से हो गया तो वो बबीता से दूर होने लगा। बबीता पुजारी से लगातार संपर्क कर रही थी, उसके घर भी जा रही थी, जिसको लेकर पुजारी ने बबीता के परिजनों के समक्ष विरोध भी जताया। परिजनों ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को समझा लिया था, फिर भी पुजारी ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों की मांग है कि मामले की तेजी से जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। वहीं इस मामले को लेकर एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि पुजारी से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच भी की जा रही है। सुबह हमें ये खबर मिली थी कि चौकी गांव के पास में एक युवती का शव बरामद हुआ। ये चंपावत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के अंदर है, तो उसमें तत्काल पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची है। मौके पे पहुंच के हमने बॉडी को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास की जगह को फॉरेंसिक जाँच भी उसमें हमने अपने हिसाब से करवाई है। इसके अलावा उसमें जो आसपास के लोग हैं, उसके घर वालों से हमने जानकारी पूछताछ भी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो कॉज ऑफ डेथ आएगा तथा जो जानकारी हम जुटाएंगे उसके अनुसार जो FIR होगी उसके आधार पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।